सबके सब बोला बोला हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे। सर्वप्रथम मेरे गुरुपाद पद्म नितलीला प्रभिष्णु विष्णु पाद अष्टोदर सत श्री श्री श्रीमाद भक्ति श्री रूप सिद्धांत गोस्वामी महाराज जी के चरण कमल में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करता हूँ। तत्पश्चात मेरे शिक्षा गुरुपाद पद्म नितलीला प्रभिष्णु विष्णु पाद अष्टोदर सत श्री श्री श्रीमाद भक्ति वेदांत श्रील नारायण गोस्वामी महाराज जी के चरणों सरज में श्रद्धा पुष्पांजलि अर्पण करता हूँ। सपरिकर प्रभुपाद समस्त वैष्णव वैष्णवी माता पिता भाई बहन सभी को मैं यथाजुग प्रणाम करता हूँ। हरे कृष्णा। गत कल हम लोग श्रवण कर रहे थे श्रीमद् भागवत कथा की क्या महिमा है, इसलिए शास्त्र में बताए किसी ग्रंथ की महिमा अगर हम समझना चाहते हैं वो ग्रंथ को ऊपर में हमें चार विषय पर विचार करनी चाहिए। कहते पहला नंबर है ये भागवत कथा कौन सुन सकते हैं, कथा को कौन सुन सकते हैं। लेकिन एक तरफ में श्री सुखदेव गोस्वामी कहते परीक्षित बोले जिनको करोड़ों करोड़ों जन्म की कोई पुण्य उदय हो तभी ये भागवत कथा में कोई बैठ सकते हैं। इसलिए शंकर जी कहते हैं अति हरि कृपा जा पर होई पाव देही या संगत स्वरूप। पार्वती वही व्यक्ति ये भागवत कथा में आ सकते हैं जिसको ऊपर में ठाकुर की डायरेक्ट कृपा हो वही व्यक्ति कथा सुनने के लिए आ सकते हैं। लेकिन अगर कोई बोले भैया हमने तो कोई पुण्य ही नहीं की जिंदगी और पाप ही पाप किया है फिर क्या कथा में नहीं बैठ सकते हैं। इसलिए श्री पद्म पुराण में उदाहरण दिया धुंधुकारी की कथा सुनाई। ये धुंधुकारी इतने दुष्ट था इतने बदमाश था ये धुंधुकारी जिसने पिताजी को इतने सताया पिताजी को पिताजी घर छोड़कर भाग गए। माँ को इतने पिटाई की बोले बताओ पिताजी कहाँ पर माल रख करके कहाँ पैसा रख करके पिताजी के निकालो जुआ खेलूंगा शराब पीऊंगा मांस खाऊंगा। मैया को इतने सताया उसने मैया तो कुएं में आत्महत्या की घर में कोई नहीं पिता माता तो गए फिर उसने छह वेश्या घर में बुला कर रखा। कोई बोले साड़ी दो कोई बोले क्रीम ले आओ कोई बोले अलंकार ले आओ हैं हर एक एक वेश्या अलग अलग चीज की मांग करे। उसने राज दरबार में डाका डाल कर इतने पैसा को लाया वेश्या ने देखा सवेरे होते ही सीआई लग जाएंगे अगर पकड़े गए ना हम सबके सब जेल जाएंगे। बोले एक काम करो राता रात छह वेश्या ने दो तो गले में रस्सी बांधा दो हाथ को पकड़ लिए दो प्यार पकड़ लिए और मुंह में जलते हुए अंगार को ठोस ठोस करके बुरी तरह मारे और घर में गड्ढा खोद करके उसको दफना कर दिए भाग गई वहां से। अभी उसने बन गया प्रेत लेकिन उसका जो भैया गोकर्ण था कुछ दिन बाद में आया जब घर में आया देखा कभी हाथी बन करके डरा रहा है कभी पीली बन करके डरा रहा है कभी घोड़े बन करके डरा रहा है। हेलो भैया तू है कौन। इतने में उसने बोले अहम भ्राता त्वदि अस्मि धुंधुकारी इतिनामिना। बोले भैया मैं तेरे भैया धुंधुकारी हूँ। बोले तेरे नाम पर मैंने गया में पिटा देकर गया क्योंकि गया में भगवान का चरण छाप है गया शुद्ध छाती के ऊपर में भगवान का वरदान है। अगर एक बार कोई गया में आए अपना पितृपुरुष को उद्देश्य के लिए आप पिंड दो पाप से मुक्ति मिल जाएगी। बोले तेरे नाम पर मैंने पिंड दे करके आई। बोले मैंने इतना पाप किया मेरे नाम पर एक बार क्यों।
मेरे नाम पर 100 बार भी पिंड दोगे ना मेरे मुक्ति नहीं मिलने वाली। 100 बार भी पिंड दे दो, क्यों? मैंने इतने महीने पाप कर्म की है। लेकिन जब उन्होंने सूर्य देवता को प्रश्न की, भैया की उद्धार कैसे होगा, भले काम करो, उसको ये श्रीमद भागवत कथा सुना, ये भागवत कथा से मुक्ति मिल जाएगी। तब उन्होंने 7 गांठ का एक बांस काट दिए। जब पहला दिन खत्म हुई, एक गांठ फट गई, दूसरे दिन दूसरे गांठ, तीसरे दिन तीसरे गांठ, और 7 दिन में 7 गांठ फट गया। बड़े सुंदर चतुर्भुज रूप धारण करके साक्षात उन्होंने प्रकट हुआ। बोले श्रीमद भागवत कथा मृतामती। जब चतुर्भुज रूप लेकर प्रकट हुआ, वैकुंठ से रथ आया और रथ में बैठ करके जब जा रहा था, इतने में गोकर्ण ने प्रश्न की, बोले यहाँ पर तो कथा बहुत सारे भक्त बैठे कथा सुनने के लिए, आप सभी के लिए क्यों विमान नहीं लाए, एक ही रथ क्यों लाए, इसका क्या कारण है? बोले देखो, कारण है, देखने के लिए तो बहुत बैठे हुए, लेकिन जो कथा है ना, वो एक व्यक्ति ने कथा सुनी, जो मन से, ये केवल ये धुंधुकारी मन से कथा सुने, वो बैठने पर थोड़ी हो जाएगा कथा में। कथा का जो नियम, उसको तो पालन करते हुए सुनना पड़ेगा ना। बोले भैया बताओ कमी क्या थी? हाँ, आप लोग भी सुन लो, कथा कैसे सुननी चाहिए? बोले कथा सुनने के लिए कमी बताए। बोले पहला कमी है, बोले विश्वास गुरु वाक्य सो स्वस्मी विदिनत्व भावनम मान दोष जयस्ते साम कथायाम निश्चलमति। पहला नंबर है, कथा में हमारी विश्वास होना चाहिए। ऐसे नहीं पंडित लोगों ने पेट पालने के लिए इस कथा को ऐसे ही से बना दिया। अगर ऐसे अगर भावना होगा ना, फिर तो कथा सुनने की फल नहीं मिलेगा। पहला नंबर विश्वास है। देखना, एक बच्चा कितना साल तक पढ़ाई करता है, 20-25 साल तक पढ़ाई करता है, CA, डॉक्टर, नहीं तो कोई इंजीनियर बने, पढ़ता कि नहीं, आप लोगों ने पढ़े कि नहीं? अगर पेपर एक महीना रह गया ना, पागल जैसे 10-10, 15-15 घंटा पढ़ता है। कल अगर पेपर आएगा तो आज रात भर सोता नहीं, पूरा पुस्तकों को दिमाग में भर कर ले जाता है। पढ़े कि नहीं आप लोगों ने? उसको विश्वास है ना, एक दिन नौकरी हमें मिलेगी, लेकिन कभी कभी नौकरी मिलती भी नहीं। पढ़ाई तो बहुत किया लोग, लेकिन उसके लिए कितना परिश्रम उसने की नहीं। इसलिए यहाँ पर कहते हैं भैया पहला नंबर विश्वास होनी चाहिए, हमारे वेद भागवत पुराण में विश्वास होनी चाहिए। लेकिन जानते हो दुर्भाग्य का विषय क्या है, हमारी सिनेमा के ऊपर विश्वास है, लेकिन ये गीता भागवत में हमारे विश्वास नहीं। सिनेमा में हमारा विश्वास है, जो झूठे चीज एक रूपों को बना करके 3-3 घंटा पागल बनाकर बैठाते हैं, और फिर टिकट बना करके अगर गंदी से गंदी फिल्म में आएगा ना, टिकट ज्यादा बढ़ जाती है। लेकिन उसको बैठ करके हम देख सकते हैं, लेकिन हमारी गीता रामायण भागवत में हमारी विश्वास नहीं। ये बड़े दुर्भाग्य का विषय है। इसलिए पहला नंबर बताए, हमारी जो वेद पुराण, बोले जा स्वयं पद्मनाभस्य मुख पद्मम बिंदुसित, साक्षात गीता हमारी भगवान कृष्ण की मुखार बिंद से ये गीता निकली है। ये भगवान की धर्म तो साक्षात भगवत प्रणीतम। ये भागवत क्या है? साक्षात भगवान की कृष्ण के मुंह से ये भागवत ब्रह्मा जी को दिए, ब्रह्मा जी फेर दिए नारद जी को, नारद व्यास देव, फिर ये सुखदेव गोस्वामी ने कथा सुनाई। ये गुरु परंपरा से ही ये विद्या आई है। इसलिए पहला नंबर है, कथा में हमारी विश्वास होनी चाहिए। एक छोटी स्टोरी सुन लो, कैसे विश्वास होनी चाहिए, अच्छे तरह से याद करना, ठीक है? कल सबको मैं पूछूंगा। बोले एक समय कोई एक चेला रोज नदी पार करके गुरुजी के आश्रम में सेवा करने आता था, वापस चल जाता था। जैसे जन्माष्टमी आ गई, भगवान 12 बजे जन्म लेते हैं ठाकुर, फिर कीर्तन प्रसाद होता तो 1 बज गया। उसने कहा गुरुजी मैं घर में जा रहा हूँ। बोले बेटा रात 1 बजे कहाँ घर में जाओगे, रात को रुक जाना, सवेरे चले जाना।
बोले नहीं गुरुदेव मेरे जाना पड़ेगा। बोले क्यों? बोले मैं जब घर में जाता हूँ फिर आपकी याद आती है, कल गुरु जी के पास में जाना, ठाकुर को सेवा करना, अगर आपको पास में रहूंगा ना फिर मेरी बीवी बच्चों की याद आई, इसलिए गुरु जी आप बताओ फिर क्या करनी चाहिए। बोले बेटा बात तो सही कह दो, ठीक है बेटा तू चला जा। बोले गुरु जी जाऊं कैसे? बोले क्यों? बोले बीच में नदी आती है, अभी तो केवट सो गया होगा ना, इसलिए मैं जाऊं कैसे, पार करने वाले कोई नहीं। बोले देख बेटा तेरे को मैं एक मंत्र लिख करके देता हूँ, ये मंत्र को अच्छे तरह से पकड़ना, फिर तुम पानी के ऊपर चलते चलते चले जाओगे। तो गुरुजी ने मंत्र लिख करके दिया, बोले अच्छे तरह से विश्वास पूर्वक पकड़ना, सचमुच से वो व्यक्ति पानी के ऊपर में चलते 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 जा रहा था। बोले गुरुदेव ने क्या मंत्र दिया, मैं पानी के ऊपर चल रहा हूँ, बड़ा आश्चर्य उसको लगा। लेकिन ये करी करी वो नदी पार ही हो गया था, थोड़ी सी बाकी थी, थोड़ी सी बाकी थी। बोले गुरुदेव ने क्या लिख करके दिया, पानी के ऊपर चल रहा हूँ। बोले थोड़ा उसको खोल कर देखो तो सही। जब वो पेपर को खोला है ना, उसमें लिखा हुआ था, एक बार आप लोग हाथ उठा करके बोलो, बोले हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 राम। और एक बार जोर करके बोलो, बोले हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे ठाकुर जी का नाम ही लिखा हुआ था। जब उसने देखा ये हरे कृष्णा, बोले इतनी से मात्र, इतनी से हरे कृष्णा, लेकिन अभी तक पानी के ऊपर तो चल रहा था, क्यों? विश्वास था। लेकिन जब उन्होंने हरे कृष्णा महामंत्र देखा, इतनी सी बात, वहीं पर पानी में डूब गया, वहीं पर पानी पर डूब गया। देखो भगवान का नाम तो विश्वास करके करनी चाहिए, इसलिए कहते हैं ना, हैं, हरि से बड़ा हरि का नाम, प्रभु से बड़ा प्रभु का नाम, हरि से बड़ा हरि का नाम, प्रभु से बड़ा प्रभु का नाम, अंत में निकलाया परिणाम, अंत में निकलाया परिणाम, हरि से बड़ा प्रभु से बड़ा प्रभु का नाम, प्रभु से बड़ा प्रभु का नाम, जिस सागर को लंघ सके ना बिना ही भूल तेरा, श्री राधे राधे, जिस सागर को लंघ सके ना बिना ही भूल तेरा, श्री राधे राधे, कूद भगवान राम को लंका जाने के लिए फूल की जरूरत पड़ी, लेकिन हनुमान को जाने के लिए कुछ पड़ा है? केवल श्री राम, केवल श्री राम का नाम लिया तो समुद्र को पार हो गए। इसलिए द्रौपदी के ऊपर जब विपत्ति पड़ी, एक बार केवल दोनों भुजा उठा करके हे गोविंद राख शरण
आपका जीवन हरि भगवान स्वयं वस्त्र रूप में ठाकुर जी प्रकट हो गए। इसलिए पहला नंबर है भगवान का नाम का प्रति विश्वास रखो, भागवत का प्रति विश्वास रखो। बोले दूसरा गुण क्या होनी चाहिए, बोले स्वस्मिन दिनत भावनम, अहंकार से कथा नहीं सुननी चाहिए, अभिमान से नहीं। इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु कहते हैं अगर हमारी अंदर में चार गुण आ जाएगा ना, भगवत प्राप्ति हो जाएगी तुम्हारी। अगर चार गुण आ जाए फिर तो प्रभु का नाम सही सही कर सकते हो। बोले पहला गुण क्या है, बोले घास से भी ज्यादा दीनहीन बन। जैसे घास को अगर पैर रखो देखना उसको सर नीचा हो जाता है, लेकिन पैर उठा फिर सर ऊपर आ जाती है। बोले नहीं, उसी से भी ज्यादा दीनहीन मानो और पेड़ से भी ज्यादा सहन शक्ति हो। जैसे आप जा रहे हो, जैसे अभी का समय पेड़ में बड़े सुंदर आम है, आप उठाया एक पत्थर मारे पेड़ में, लेकिन पेड़ ने किया दिया आपको फल दे दिया, लेकिन आप पत्थर उठा करके मारा वृक्ष को, लेकिन वो क्रोध क्रोधित नहीं हुआ, आपको क्या फल दे दिया उसने। बोले चौथा गुण क्या है, बोले सब जीवों को सम्मान दो, क्योंकि हर जीव के हृदय में ठाकुर का निवास है, भगवान की निवास सबका हृदय में है। इसलिए सभी की हृदय में भगवान की निवास जान करके सबको यथा योग्य आप सम्मान प्रदान करो। और कभी खुद कभी सम्मान की भूखे मत बनो। महाप्रभु कहते हैं अगर ये चार गुण आ जाए ना, फिर तो आप भगवान के शुद्ध रूप में भजन और भगवान की भक्ति कर सकते हो। इसलिए दूसरा गुण है तीन हीन होकर कथा सुनो। इसलिए हनुमान बोले ज्ञानी नाम अग्रगण्यम, ज्ञानियों में सर्वश्रेष्ठ हनुमान जी, लेकिन जत्र जत्र रघुनाथ कीर्तनम, अगर करोड़ों जगह में अगर प्रभु राम की कथा होगी ना, हनुमान जी करोड़ रूप धारण करते हैं और कथा से सबसे पहले पहुंचेंगे, सबसे पीछे बैठेंगे और हनुमान जी हाथ जोड़ करके गदगद होते हुए आंखों से आंसुओं को बहाते हुए हनुमान जी कथा सुनते हैं। इसलिए स्वस्मिन दिनत्व भावनम। तीसरा नंबर बोले मान दोष जयस्ते साम, कथा कैसे सुननी चाहिए, एक मन से सुनो। इसने बैठे यहाँ पर और मन और कहीं पर नहीं, कथा सुनने के लिए मन को एकाग्रता मन चाहिए, तभी ये कथा हमें तभी ये फलदायक होगी, नहीं तो फलदायक नहीं होगी। जब उन्होंने ये बात को सुनाए विष्णु दूतों ने, गोकर्ण ने कहा सुने हो तुम लोग, हम लोग कथा तो सुने लेकिन कथा का फल ही नहीं मिला हमें, हमारे लिए रथ ही नहीं आया। देखो ज्यादा दिन नहीं, 7 दिन है, फिर कल से मैं दोबारा कथा सुनाऊंगा। एक मन से सबके सब कथा सुना, हम भी ये संसार से पार होकर के हम भी भगवान को पास में चले जाएंगे। फिर दूसरे दिन क्या हुआ, सबके सब कथा में आए, सबके सब कथा में आए और एक मन से सबके सब कथा सुनी। और जब कथा की विश्राम हो गया, जितने लोग बैठे हुए थे सभी के लिए वैकुंठ से एक एक रथ आया और सबके सब चतुर्भुज रूप धारण करते हुए रथ में बैठे करके कहां गए, भगवान की धाम को चले गए। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। देखो हम भी कथा सुन रहे हैं, जब कथा की विश्राम होगी ना, हम सभी के लिए एक एक रथ लेने के लिए आएगा। आप बताओ तो कौन कौन जाएगा, सही सही बताओ कौन कौन जाएगा। मेरे को लगता सब झूठ बोल रहे हैं। अगर सचमुच से यहाँ रथ आ जाएगा ना, एक भी यहाँ नहीं दिखी सब भाग जाएंगे। बोले भैया अगर मैं चला जाऊ मेरी पत्नी क्या करेगी, फिर पत्नी सोचेगी मेरे पति को रोटी कौन खिलाएगा, हैं खिलाएगी। फिर जिसका बेटा बेटी की शादी नहीं हुई, बोले भैया अगर बेटा बेटी की शादी ही नहीं हुई, जिसके बच्चे छोटे बोले बच्चों को कौन लालन पालन करेगा। हाँ इसलिए कोई चिंता मत करो, कोई चिंता मत करो, कथा सुनो ठीक है, कथा श्रवण करो, धीरे 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 हमारी भक्ति धीरे धीरे बढ़ती रहेगी, इसलिए कोई चिंता मत करो। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की। इसलिए शास्त्र में बताए जो श्रोता है
वो दो तरह के श्रोता हैं। कितने तरह के श्रोता हैं? आज मैं बोलूंगा और उसका जो कथा को बाद में मैं प्रश्न करूंगा और जो सही उत्तर देंगे ना, मैं एक एक गीता उसको दूंगा, जब जो उसका उत्तर सही सही दे देगा, ठीक है। इसलिए अभी मैं बताऊंगा, लास्ट में सबको पूछूंगा। इसलिए स्कंद पुराण में बताया श्रोता दो तरह के हैं, कहते एक प्रबर और एक अवर। प्रबर मतलब होता है श्रेष्ठ श्रोता है, अवर मतलब होता है वो कनिष्ठ श्रोता, वो घटिया श्रोता है। बोले जो अच्छे श्रोता वो चार ही तरह के हैं। कितने तरह के? हाँ, पहला नंबर है हंस। हंस को आप दूध दो, देखना वो दूध दूध को तो पी लेगा और पानी पानी को छोड़ देता है। जो अच्छे श्रोता हैं वो जीवन में अच्छे अच्छे चीज को तो ग्रहण करते हैं और गंदी चीज को जीवन से निकाल देती है। पहला नंबर है। दूसरा नंबर है मछली। हम मछली को देखे होंगे, मछली की जो आंखों का जो पलक है ना, ये कभी झपते हुए नहीं देखोगे, उसकी आंख हर समय खुली हुई रहती है। कथा कैसे सुननी चाहिए? टक-टक लगा करती, एक मन से ये कथा सुननी चाहिए। इसलिए दूसरा नंबर हो गई मछली। बोले तीसरा नंबर क्या है? बोले मधुमक्खी। एक होता है मक्खी और एक होता है मधुमक्खी। जैसे मानो यहाँ पर चारों तरफ में फूल ही फूल खिला हुआ, लेकिन एक जगह पर थोड़ी सी कोई गंदगी है। अगर वो मक्खी आएगा तो बताओ कहां पर बैठेगा? बताओ, गंदे के ऊपर बैठेगा, और फूलों के ऊपर नहीं बैठेगा। दूसरा है मधुमक्खी, चारों तरफ में गंदगी गंदगी, लेकिन एक फूल खिला हुआ। आप बताओ मधुमक्खी आएगा तो कहां पर बैठेगा? फूलों के ऊपर बैठेगा। इसलिए हमें मक्खी नहीं बननी चाहिए, हमें मधुमक्खी बननी चाहिए। अब देखना, एक कांटा के वृक्ष के ऊपर में फूल क्यों नहीं हो? वो मधुमक्खी वहां भी बैठी करके वो शहद को आहरण करके बड़े सुंदर एक छता बना देती है जिसमें शहद निकलता है और जिससे ठाकुर की सेवा पूजा होती है। इसलिए कथा कैसे सुननी चाहिए? मधुमक्खी जैसे, मक्खी जैसे गंदी चीज में नहीं, मधुमक्खी पर सुननी चाहिए। और जो चौथा नंबर है, चौथा नंबर कितना तर्क हो गया? तीन तर्क हो गया ना, तीन तर्क, ये पांच तर्क बताएंगे। इसलिए चौथा नंबर है चातक। ये एक पक्षी है, ये कभी किसी तालाब का पानी नहीं तो किसी नदी का पानी कभी भी नहीं पिएगा। वो पिएगा तो स्वाधी नक्षत्र का, जब बरसात हो उसी समय जो पानी बरसना वो तभी पीता है। इसलिए वो हर समय बोलता रहता है, प्यासा हम, मेरे को पानी पानी, मेरे को पानी दो, चित्कार करते रहता है। बोले एक समय गंगा किनारा में एक कोई वृक्ष था, उसको ऊपर में ये चातक चिड़िया बैठा हुआ था। एक बहेलिया ने उसको ऊपर बाण मारे, बाण मारते ही उसको छाती से इस पार से उस पार हो गया, लेकिन गिरा तो गंगा पानी में लेकिन मुंह बंद कर दिया। बोले क्यों? बोले पीऊंगा तो मैं स्वाधी नक्षत्र का पानी पीऊंगा, मैं किसी गंगा पानी भी नहीं पीऊंगा। तात्पर्य क्या है? बोले तात्पर्य यह है, कथा सुनेंगे तो हम ठाकुर जी की कथा सुनेंगे, भगवान की कथा सुनेंगे, हम कोई दुनियादारी की कथा हम नहीं सुनेंगे। इसलिए ये कौन है? ये चातक है। जो पंचमा नंबर भी है, पंचमा नंबर है ये तोता। ये तोता में एक विशेष गुण, बोले क्या गुण है? वो किसी कच्चा फल में कभी भी चोंच नहीं मारेगा, उसको पता है कौन सा फल पका हुआ फल है, वो उसी में ही अपना चोंच मारता है। मतलब क्या? बोले भैया मुंह जहां का नहीं मारनी चाहिए, मुंह तो वही मारनी चाहिए जहां पर हरी चर्चा हो, हरी कथा हो, हरी की भजन हो, वहीं पर मुंह मारो। जहां पर चुगली निंदा पर चर्चा होता है वहां कभी भी अपना मुंह नहीं मारनी चाहिए। ये हो गया पांच तरह का अच्छे श्रोता। बोले चार तरह के ये घटिया श्रोता है। बोले पहला नंबर है भुरुन। ये एक पक्षी, ये रहता है हिमालय पर्वत के ऊपर में। आप ये पक्षी को जैसे सुनाओ ना, वो ठीक आपको वैसे ही सुना लगा।
सुन भी लेगा, सुना भी देगा, लेकिन वो करते समय संपूर्ण उल्टा करता है। मतलब क्या है, सुनेगा सुनाएगा लेकिन अपना जीवन में कोई भी एक अक्षर अपना जीवन में जो नहीं उतारता है, ये हो गया कौन है, ये भोरुंड है। दूसरा नंबर है ऊंट। आप लोग ऊंट देखे हो, कौन कौन ऊंट देखे हो, सबके सब देखे हो। आप देखना जो ऊंट को आप कोई कोमल कोमल सुंदर सुंदर कोई पत्ता दो, देखना वो नहीं खाएगा। वो क्या है, कौन सा पेड़ खाता है, वो जिसमें कांटा हो ना, बबलू के पेड़ हो, देखना वो उसी वहीं पर जाके खाएगा। अपना खून मुंह से खून निकलेगा, वो अपना खून को ही पिएगा, बोलेगा वाह इसमें क्या टेस्ट है। बोले मतलब क्या है, बोले जो भगवान की जो सुंदर सुंदर कथाएं, ठाकुर जी को जो प्यारी प्यारी कथा में जिनकी कोई रुचि नहीं। बोले रुचि कहाँ पर है, बोले जहां पर चुगली हो रही है, बुराई हो रही है, हैं? वो वहीं पर जाकर बैठेगा, प्रभु की कथा में उसको अच्छी नहीं लगेगी, ठाकुर को भक्ति कथा उसको अच्छी नहीं लगेगी। कहती ये हो गया दूसरा नंबर है। बोले तीसरा नंबर है बैल। अब बैल को घास भूसा दे दो, नहीं तो कोई सुंदर सुंदर अंगूर, नहीं तो कोई चीकू, नहीं तो केला दे दो ना, वो दोनों में कोई फर्क नहीं समझता है, वो दोनों को बराबर मानता है। बोले मतलब क्या है, बोले भगवान की कथा हो नहीं तो दूसरी की निंदा चुगली हो, कुछ भी क्यों नहीं हो, जहां पर वहीं पर बैठ जाएगा, वो दो चीज में कोई फर्क उसको नहीं लगता है। कहती है तीसरा नंबर। बोले चौथा नंबर, माताएं इसको ध्यान से सुनो, चौथा नंबर क्या है, कि चौथा नंबर है जिसको कहते हैं भेड़िया। ये छोटा जाति का एक बाघ होता है, ये इसको पता है मैं हिरण को पकड़ नहीं सकता हूं, लेकिन वो हिरण को ऊपर कब आक्रमण करेगा। अब देखना हिरण कोई सुलीली सुंदर शब्द हो, बड़ी सुंदर बंसुरी की नहीं तो बड़ी सुंदर कोई शब्द हो ना, वो एकदम कान खड़े करके उसू को सुनने में ही एकदम मस्त हो जाता है। और ये भेड़िया ठीक उसी समय में ही इसको ऊपर में आक्रमण करता है। बोले भैया मतलब क्या है, मतलब ये है कुछ ऐसे लोग हैं जो कथा खुद नहीं सुनते हैं, लेकिन जो पास में जो बैठ करके कथा सुन रहे हैं ना उसको भी सुनने नहीं देते। बिना कारण के तेरे घर में क्या हुआ था, वे तेने सुनी है उसको घर में क्या हो रहा है, उसको छोरा छोरी को भगा के ले गया, उसको घर में सास बहू की लड़ाई हो रही है, हैं? इसलिए जिनको इसलिए उसको कहते भेड़िया है, जिनको भगवत कथा में रुचि नहीं और जो रुचि पूर्वक सुनते हैं ना उनको भी जो सुनने नहीं देते हैं, इसलिए चार तरह का ये घटिया श्रोता याद रहेगा। लास्ट में मैं पूछूंगा, जो बोलेगा ना उसको गीता दूंगा, ठीक है? हाँ, और चार तरह के श्रोता हैं, सुनने वाले चार तरह के हैं, नहीं कथा चार तरह की कथा है, एक सात्वी, एक राजसी, एक तामसी और एक निर्गुण। बोले सात्वी की कथा किसको कहते हैं, बोले सात्वी की कथा उसे कहते हैं जैसे एक महीना हो नहीं तो दो महीना हो, कथा तो नियम से सुनते हैं, लेकिन उसको बाद में फिर कथा से कोई मतलब नहीं रखी, उसको कहते हैं सात्वी। बोले राजस की कथा किसको कहते हैं, जैसे कथा हो रही है सबको हम निमंत्रण देते हैं, कथा हो रही है सबके सब कथा श्रवण करने के लिए आइए, लेकिन कथा का व्यवस्था तो करते हैं लेकिन खुद को कथा में कोई रुचि नहीं, स्वयं कथा जो नहीं सुनते हैं लेकिन सुनाने के लिए बुलाएंगे लेकिन वो इतने इधर उधर काम में बिजी रहते हैं, असली जो चीज कथा सुनना वो कथा नहीं सुन पाते, इसको कहते राजसी। बोले तामस की कथा किसको कहते हैं, जैसे मानो सात दिन तक कथा हुई हैं, कथा सात दिन तक हुई, जो लोग एकदम जब लास्ट में हो उसी समय आएंगे घूमघाम करके, नहीं तो बीच में आएंगे, नहीं तो बैठेंगे तो मन ही नहीं लगता है, एक चक्कर घूमघाम करके आ गए फिर बैठ गए, फिर बैठ गए, फिर घूमने चले गए। बोले जो लोग एक मन से कथा नहीं सुन करके हैं विचलित भाव से कथा को श्रवण करते हैं, कहते इसको कथा को कहते हैं ये तामसी कथा, ये कथा सही कथा नहीं है।
लेकिन इस सही कथा किसको कहते हैं? बोले सही कथा उसको कहते हैं, बोले सदा सभ्याम श्रीमती भागवती वार्ता जस्या श्रवण मात्रेण हरिश्चितम समाश्रय। वास्तव कथा उसे कहते हैं जिसने अपना जीवन को ही कथा बना ले। क्या करे? अपना जीवन को ही जो कथा बना ले, बोले नियमित पूर्वक रोज क्या करे, रामायण हो नहीं तो भगवत गीता हो नहीं तो भागवत हो, संतों की चरित्र हो, जो रोज घर में नियम करके ये कथा को जो सुनते हैं, जो जीवन ही कथामय बना दे, उसको कहते भैया सही कथा। वही कथा ही जीवन में सही कथा है। देखो ध्यान देकर सुनो, एक व्यक्ति ने हमारे बड़े गुरु जी को, आप बोलोगे ये सब गीता रामायण भागवत पढ़ने का क्या जरूरत है, क्यों ये गीता रामायण भागवत पढ़े? एक व्यक्ति हमारे बड़े गुरु जी को पास में आए, बोले गुरुदेव बच्चे बात नहीं सुनते हैं। देखना घर घर की कहानी, बच्चे बात नहीं सुनते हैं। देखो गुरु जी ने क्या बताया, बोले बेटा कभी रामायण पढ़े हो? बोले नहीं। बोले बच्चों को कभी रामायण पढ़ाने के लिए तुमने बताया? बोले नहीं। गुरु जी वाले जो स्वयं रामायण नहीं पढ़े, बच्चों को रामायण नहीं पढ़ेगा, उसको यही दुर्गति होने वाली। कहां पर बताए पिता माता की सेवा करो? रामायण सिखाता है। भगवान स्वयं सवेरे उठ करके प्रात उठ ही रघुनाथा और मात पीत गुरु नमय माता, सबसे पहले भगवान उठ करके पिता माता के चरण छूते हैं। अब रामायण देखे हो? कौन कौन रामायण देखे, हाथ उठाओ। तो आप देखना जिस समय दशरथ महाराज सैन्य के होते ही, आप देखना भगवान राम जाकर के पिताजी के चरण दबाते हैं, देखे कि नहीं? भगवान ठाकुर जी चरण दबा रहे हैं पिताजी को। जब हम रामायण देखेंगे शिक्षा क्या मिलेगा? अरे भगवान राम स्वयं पिता माता की चरण सेवा करते हैं, हमें भी पिता माता की चरण सेवा करनी चाहिए। सवेरे उठ करके सबसे पहले क्या करो? पिता माता के चरण छुओ। आप बताओ भगवान पितृ आज्ञा को पालन करने के लिए कितना साल तक वनवास गए थे? बोलो जोर से, 14 साल तक गए थे ना। वो भी अब रामायण देखे होंगे, दशरथ महाराज आदेश दिया था राम को जाने के लिए, मना कर रहे थे, लास्ट में प्राण त्याग किया, बोले नहीं बेटा तू मत जाओ, मना कर रहे थे। लेकिन अपना माता जी की भी नहीं, सौतली माता कई कई की आदेश को पालन करने के लिए अपना भी मान नहीं, लेकिन रघुकुल रीति सदा चली आई और प्राण जाए बरु वचन ना जाए, इसलिए भगवान 14 साल के लिए उन्होंने वनवास गए। आप देखो होंगे भरत बीच में आए, आएगे नहीं भरत लेने के लिए, लेकिन भगवान राम वापस गए नहीं? गए। बोले क्यों? बोले यद्यपि पिता चले गए संसार छोड़ करके, लेकिन ऊपर से तो देखते होंगे हमारे बच्चे हमारे लिए क्या किया है। बोले नहीं मैं वापस नहीं जाऊंगा, वापस भी नहीं गए भगवान। भगवान तो 14 साल के लिए वनवास गए, अब अपना बेटे को बोलो बेटा मेरे सेवा के लिए आदेश पालना करने के लिए तू 14 दिन के लिए कहीं जाओ, बताओ वो जाएगा कि नहीं? होता हाँ बोलो तुम्हारे बेटा जाएगा कि नहीं? वो 14 दिन के लिए हनीमून मनाने जा सकता है, लेकिन पिताजी की सेवा के लिए नहीं जाएगा। ये गुरु जी कहते थे हमारे। बोले कारण क्या है? कारण है हम रामायण पढ़ते नहीं और बच्चों को रामायण नहीं पढ़ाते, इसलिए दुर्गति है। इसलिए उनका नाम था अयोध्या। क्या नाम है? अयोध्या मतलब क्या है? जहां पर कभी युद्ध नहीं होता है। इसलिए घर में अगर रामायण हो, घर में रोज अगर रामायण होना, तुम्हारी घर ही अयोध्या बन जाएगी। क्या बन जाएगी? ताली बजाओ सबके सामने, तुम्हारी घर ही अयोध्या बन जाएगी, तुम्हारी घर ही अवध हो जाएगा। अवध मतलब क्या? जहां पर कोई मरते नहीं, जहां युद्ध नहीं होता है। अब देखा है ना भाई भाई में कितने प्रेम है। रामचंद्र भरत को कहते तू राजा बने, लेकिन राजा बने नहीं बने। लक्ष्मण कैसे जाकर के राम की सेवा कैसे की, अब देखे होंगे सबके सब। इसलिए घर में क्या, इसलिए कहते सदा सभ्याम सदा सभ्याम। अगर घर में हम गीता रामायण भागवत पढ़ेंगे ना, अपना जीवन में उतारेंगे, तो बस जीवन हमारे धन्य हो जाएगा। इसलिए कहते भैया नियम करके
ये गीता रामायण पढ़ो, अगर चाहते हो घर तुम्हारी अयोध्या बने, घर में शांति और सुख घर में हो, घर में राम जैसे बेटा हो और बहू जैसे सीता हो और नातिपति लव कुश जैसे हो, नातिपति लव कुश जैसे हो, बस वही घर ही अयोध्या बन जाएगी वही घर। इसलिए यहाँ कहते हैं जो सही कथा है, क्या सही कथा है, जो अपना जीवन को क्या बना ले, सदा सत्यम, रोज गीता रामायण भागवत को घर में जरूर पढ़नी चाहिए। लेकिन ये जो टीवी आ करके ना, और ये स्मार्टफोन है, ये हमारे पूरा संस्कृति को, सबके सब संस्कृति को नष्ट भ्रष्ट कर दिया। यद्यपि लगता है ऊपर से नहीं, बहुत सारे काम हो रहा है, आप बताओ घर पहले क्या, टीवी स्मार्टफोन पहले क्या था, उसी समय घर में शांति सुख थी ना, अभी शांति सुख है। मैंने कुछ दिन पहले एक पेपर में पढ़ा था, कोई एक पिताजी गए था मिलिट्री में, और मिलिट्री से जब घर में वापस आया ना, देखा दिन भर बेटा स्मार्टफोन में लगा हुआ, लिखाई पढ़ाई नहीं कर रहा। अब सुने होंगे से आज पिताजी ने मना किया, बेटा पढ़ाई लिखाई करो, उसको मोबाइल ले लिया तो क्या क्या जानते हो, पिताजी का गला ही काट दिया उसने। अब सुने होंगे नहीं पेपर में, पिताजी का गला ही काट दिया उसने, इतनी खतरनाक ये चीज है। अभी आपको पता होगा स्मार्टफोन से बच्चे पागल हो रहे हैं, पागल हो रहे हैं स्मार्टफोन से, और दिन भर उसको लेकर पढ़े हुए पढ़ाई पढ़ाई तो चूल्हे में जा गया है। इसलिए यद्यपि दिखाई पड़ता है ये साइंस बहुत एडवांस किया है, लेकिन आप दूसरे तरफ में देखोगे ना, ये साइंस ने इतने गिराया लोगों को, इतने गिराया जो सोच भी नहीं सकते हो। इसलिए क्या करो, हमारी जो पुरानी संस्कृति है, गीता रामायण पढ़ना, भागवत पढ़ना, अगर चाहते घर को अयोध्या बनाए, ये सब चीज को हमें अध्ययन करनी चाहिए। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, बोले जय जय श्री राम। एक भजन सुन लो, मंद मंद मुस्कनिया और तेरी मंद मंद मुस्कनिया बलिहार प्यारी जो, 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 I'm gonna make you mine।
Oh,
भागवत कथामृतम की जय जय श्री राम। जन्मादस्य जतोऽन्नयादितरतस्य स्वार्थे स्वभिज्ञ स्वराट् तेने ब्रह्म हृदयो आदि कवये मोह्यन्ति जत सूरयो। जब श्री सुखदेव गोस्वामी भागवत को प्रारंभ करते हैं वो तीन श्लोकों को द्वारा मंगलाचरण करते हैं। कहते भैया मंगलाचरण का मतलब क्या है? बोले मंगलाचरण का मतलब होता है कोई भी आप काम करो अगर भगवान की नाम को साधु संतों का आशीर्वाद लेकर करो वो काम जरूर आपका सक्सेसफुल होगा। इसलिए कहते ना मंगल भवन अमंगल हरिये। इसलिए कोई भी काम करो भगवान को स्मरण करते हुए करनी चाहिए, इसको कहते मंगलाचरण। उन्होंने तीन श्लोकों के द्वारा उन्होंने मंगलाचरण की है। बोले जो पहला जो श्लोक है कहते ये भागवत ग्रंथ का आराध्य देव कौन है, इष्ट कौन है, ये पहला श्लोक में। लेकिन वो ऐसे एक श्लोक है जो श्लोक में किसकी नाम नहीं दी गई, केवल उनका गुण ही गुण बताया। इसलिए जो शंकर जी को उपासना करते हैं कहते भैया भागवत का आराध्य देव कौन है, वो परम सत्य सत्यम शिवम सुंदरम शंकर जी। जो माता देवी को उपासना करते हैं कहते भैया मैया देवी सब कुछ है। जो गणेश जी की पूजा करते हैं हनुमान जी को वो कहते आराध्य देव भागवत का यही है। लेकिन हमारे एक वैष्णव संप्रदाय का आचार्य श्री बल्लभाचार्य हुए हैं बोले नहीं, पहला श्लोक का जो इष्ट देव है जिसको वो ध्यान करते हैं वो केवल श्री बांके बिहारी। बोले श्री बांके बिहारी की, इसलिए कहते सत्यम परम धीमही। कहते वो परम सत्य कौन है, बोले भगवान श्री कृष्ण चंद्र है। बोले आप कृष्ण में कैसे लगा दिया? बोले देखो ये श्लोक में क्या बताए, जो परम सत्य है उसको हम ध्यान करते हैं। इसलिए जब भगवान कृष्ण देवकी गर्भ में आए, आप भागवत पढ़े होंगे, वो 33 करोड़ देवता माता देवकी की गर्भ स्तुति करते हैं। उसका जो पहला श्लोक है बोले सत्य व्रतम सत्य परम त्रिसत्य सत्य सजोनी निहितम च सत्य 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 मृत सत्य नेत्री सत्यात्मकत्वाम शरणम प्रपत्ति। कहते वो परम सत्य कौन है, बोले भगवान श्री कृष्ण चंद्र ही परम सत्य है। लेकिन हमारे श्री रसिक एक टीकाकार हुए विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बोले नहीं केवल कृष्ण का नाम नहीं, कहते वहां जो परम शब्द है कृष्ण की जो पराशक्ति श्री राधा रानी का नाम लिया है। इसलिए आप वृंदावन गए हैं, कौन कौन वृंदावन गए, सबके सब गए। आप देखना वृंदावन में आप कृष्ण का नाम किसी को भी कृष्ण का नाम लेते हुए नहीं मिलता है। किसके नाम मिलता है जोर से बोलो और जोर से, कहते वृंदावन में कृष्ण का नाम क्यों नहीं लेते, राधा जी का नाम क्यों लेते हैं? इसलिए कहते ना राधे राधे रटो चले आएंगे बिहारी। जो कोई व्यक्ति राधा रानी का नाम लेता है कृष्ण स्वयं कहते हैं बोले रासप्त कृपन तस्मात ददामी भक्ति उत्तम। कहते अगर किसी ने राखर बोल दिया, कृष्ण खुद कहते हैं मैं सोच में पड़ जाता हूँ उसको हम क्या दे। मेरी राधा जी का पहला अक्षर रा उच्चारण किया, कृष्ण कहते मैं खुद को खुद दे देता हूँ, भैया आज से मैं तेरा ही हो गया हूँ। अगर किसी ने धा शब्द बोल दिया, कृष्ण कहते हैं ये दो अक्षर सुनने के लिए मैं भी उसको पीछे 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 भागता रहता हूँ।
इसलिए वो भजन क्या गाते हैं, बोले राधे राधे रटो चले आएंगे बिहारी, राधे राधे रटो चले आएंगे बिहारी, आएंगे बिहारी चले आएंगे बिहारी, आएंगे बिहारी चले आएंगे बिहारी, बोले राधे 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 रटो चले आएंगे बिहारी, राधे राधे रटो चले आएंगे बिहारी, राधा रानी बोली वाली चंचल बिहारी, राधा रानी गंगा तो धारे बिहारी, यहाँ पर जुगल की उन्होंने वंदना की, केवल कृष्ण की पूजा नहीं करनी चाहिए। हमारे श्री भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं, अकेला माधव पूजा सो अज्ञानी, जो घर में अकेले कृष्ण को पूजा करता है ना वो अज्ञानी है। और राधा अनादर करे अभिमानी, जो राधा रानी को अनादर करते तो अभिमानी है। बोले भाई कबई ना कर भी ता कर संग, ब्रजे इच्छा से जबकि प्रेम रस रंग, अगर किसको ब्रज रस पाने की इच्छा है क्या तो उसको क्या करनी चाहिए, बोले भैया ऐसे व्यक्ति का संग मत करो जो केवल अकेले कृष्ण पूजा करते हैं, मना कर दिया है, हैं मना कर दिया है। इसलिए एक बहुत बड़े संत कोई हुए हैं, उन्होंने बड़े सुंदर एक पद लिखा था, वो पद था मैं तो श्याम रंग में रंगी, मतलब कृष्ण रंग में मैंने रंग गया, बड़ा सुंदर पद था। बड़े बड़े संतों को पास में गया तो बड़े बोले वाह बड़ा सुंदर पद है। लेकिन हमारी श्री महाप्रभु की धारा में श्री जीव गोस्वामी हुए, बहुत बड़े संत हैं। जब इनको पास में ये पद आया ना, इन्होंने एक श्लोक लिख करके भेज दिया जीव गोस्वामी। देखो श्लोक क्या कहता है, बोले अनाराध्य राधा पदाम भोज रेणु अनाश्रित वृंदा बनम तत अटबिन असंभास तद भाव गंभीर चिता उतह श्याम सिंधु रस श्याम गाओ। बोले भैया कृष्ण रस में डूबना चाहते हो, इतने आसानी नहीं कृष्ण भक्ति रस है। कृष्ण तीन जगह से टेढ़े टेढ़े भी नहीं, तीन जगह में कृष्ण भी तीन जगह से टेढ़े, उनका नाम भी देखो तीन जगह से टेढ़ा कृष्ण। जब तक ये जीवा तीन बार टेढ़ा नहीं हो जाए कृष्ण नाम नहीं निकलता है, हैं? इसलिए देखे एक ब्रज का भजन है, बोले तो टेढ़ो तेरी तेरी नजरिया, तेरी तेरी नजरिया, अरे वो क्या हो गया तुम्हारा, और फिर कर इसलिए वो भजन में गाते ना, अब देखना वृंदावन में सारी गली भी टेढ़ी है, जमुना भी टेढ़ी है, मैया भी टेढ़ी टेढ़ी है, टेढ़ी तेरी जसोदा डोकरिया तू टेढ़ो तेरी टेढ़ी नजरिया, कृष्ण बड़े टेढ़ी। लेकिन हमारे किशोर जी को तो टेढ़ी नहीं, वो सीधी है, और राधा रानी बड़ी सीधी साधी, ताली बजाओ राधा रानी के लिए, राधा रानी हमारी बड़ी सीधी साधी राधा रानी। इसलिए राधा जी की कृपा नहीं हो ना कृष्ण नहीं मिलेंगे, राधा जी की तब उन्होंने श्लोक में लिखे थे, अगर वो कृष्ण भक्ति रस में डुबकी लगाना चाहते हो पहले तीन चीज को अपनाओ तभी कृष्ण मिलेगा, नहीं तो कृष्ण कृष्ण बोलने से नहीं मिलेगा। ध्यान सुन लो तीन चीज क्या है, मैं लास्ट में पूछूंगा सबको एक गीता दूंगा जो उत्तर देगा। वो तीन चीज, पहला चीज है बोले अनाराध्य राधा पदाम भोज रेणु, पहला नंबर है जब तक श्री राधा रानी की किशोर जी की चरण की धूल को जब तक आश्रय नहीं दान करोगे। बोले दूसरी नंबर क्या, बोले राधा रानी की चरण के द्वारा अंकित श्री वृंदावन धाम को जब तक आश्रय नहीं करोगे। और सबसे बड़ी चीज है राधा जी की प्रेम रसों में जो डूबे हुए जो संत हैं, जब तक ऐसे संतों को आश्रय नहीं ग्रहण करोगे भैया कृष्ण भक्ति नहीं मिलेगी, हैं? इसलिए कृष्ण भक्ति तभी मिलेगी जब श्री किशोर जी की आशीर्वाद हो,
श्री राधा रानी की कृपा हो। बोले श्रीमती राधा रानी की। इसलिए जो पहला श्लोक है, जिस श्लोक में श्री जुगल सरकार की वंदना की, कहते ये ध्यान है। कहते दूसरा श्लोक क्या है, बोले ये प्रतिज्ञा लेता है। बोले क्या प्रतिज्ञा लेता है, बोले धर्म प्रजीत कैतव अत्र परम निर्मत शरणम सन्ताम। कहते ये दूसरे श्लोक में तीन बार अत्र शब्द आया। बोले ये जो श्रीमद् भागवत ग्रंथ में क्या तीन बार अत्र है, जैसे किसी बात को तीन बार बोल तो पक्की हो जाता है, फिर सत्य हो जाता है ना। इसलिए पहला अत्र है भागवत में, कोई कपटत धर्म यहाँ पर नहीं है। ये शुद्ध रूप में भगवान की केवल प्रेम की बात जहां पर बताए, धर्म अर्थ तक काम है ही नहीं। यहाँ पर जो मुक्ति को भी यहां से निकाल दिया, केवल जिसमें भगवत प्रेम को बार में भागवत बताए। बोले किसके लिए ये भागवत, बोले निर्मत सराराम सताम, सभी के लिए नहीं, जिनके हृदय में निर्मत सर हो, जिसके हृदय में मत्सरता है, हैं भैया उसके लिए भागवत नहीं। कहते किसके हृदय में निर्मत मत्सरता नहीं, संतों के हृदय। देखना संसार में हम जो दुखी है ना, अपना दुखी में जितने दुखी नहीं, दूसरे के सुख में उतने दुखी है कि नहीं। अपना दुख में जितने दुखी नहीं, दूसरे से सुख से ज्यादा दुखी है। वो इतना बढ़िया क्यों पहनेगा, वो इतने बढ़िया क्यों खाएगा, वो इतने बढ़िया से क्यों रहेगा, इसीलिए हम दुखी है। अपना दुख में जितने दुखी नहीं, दूसरे के सुख में ज्यादा दुखी है। ये बड़े आश्चर्य चीज है। इसलिए हृदय से ये मत्सरता को, ईर्षा द्वेष को छोड़ देनी चाहिए। जो दूसरा अत्र है, बोले वेद्यम वास्तव मत्रम। बोले भागवत ग्रंथ में वास्तव रूप में जो धर्म है, जो वास्तव धर्म को निरूपण की गई। और जो तीसरा जो अत्र है, हाँ देखो इसको सुनो ठीक से। जैसे ये मंदिर में कथा हो रही है, घर में बैठे हैं, आपको पता चला ये मंदिर में भागवत कथा हो रही है। अभी घर कथा में आपने नहीं आए हो, घर में बैठे हो। अगर किसकी मन में इतनी सी केवल इच्छा हो गई, मैं कथा सुनने जाऊंगी, नहीं तो कथा सुनने जाऊंगा, तो अगर इतनी सी कोई बोल दे, बोले बहन तू कथा में चले जा, तू कथा सुन करके आ जा, घर का काम काज को मैं ही संभाल लूंगी। अगर किसी ने इतनी सी इच्छा रखी ना, सुखदेव गोस्वामी कहते हैं उसी समय में ही भगवान आकर उसको हृदय में ऐसे बंध जाते हैं, ऐसे अवरुद्ध हो जाते हैं, जैसे एक व्यक्ति घर में किसी घर को अंदर में प्रवेश करे और अपनी आप को कुंडी से बंद कर दे, कुंडी लगा कर बंद कर दे। केवल ये भागवत कथा सुनने की इच्छा मात्र से ही बांके बिहारी जगन्नाथ जी उसके हृदय में बंद जाते हैं, उसके हृदय में बंद जाते हैं ठाकुर जी। इतने महिमा ये भागवत कथा की। कहते भैया अगर सचमुच से कोई आकर बैठ जाए कथा में, कोई सचमुच से कथा में बैठ जाए, सुखदेव गोस्वामी कहते हैं उसकी महिमा तो हम बता ही नहीं सकते हैं, जो व्यक्ति आकर की भागवत कथा में बैठे हैं। इसलिए कहते भैया कथा कौन सुन सकते हैं, बोले सुश्रुषु भी, सब नहीं सुन सकते, जिनकी करोड़ों करोड़ों जन्म का पुण्य। कोई बोलेगा हमने तो कोई पुण्य ही नहीं की, फिर क्या कथा नहीं सुन सकते हैं। बोले आकर कथा में बैठ जाओ, केवल कथा सुनते सुनते ही तुम अपनी आप पुण्यात्मा, तुम अपनी आप पुण्यात्मा बन जाओगे। इसलिए भागवत प्रतिज्ञा लेता है केवल इच्छा मात्र से ही कथा सुनने की, ठाकुर हृदय में अवरुद्ध हो जाते हैं। बोले तीसरा जो मंगलाचरण है, कहते तीसरा मंगलाचरण, कहते ये आशीर्वाद हमें देता है। बोले क्या भागवत हमें आशीर्वाद देता है, बोले निगमा कल्प तरूर गलितम फलम सुख मुखात अमृत द्रव संयुतम पीवत भागवतम रसमालयम मोहरहो रसिका भूमि बाबुका। बोले भागवत के आशीर्वाद देता है। कहते हम भागवत नहीं सुन रहे हैं, कहते हम सबके सब कल्प वृक्षों के नीचे बैठे हैं। कहाँ पर बैठे हैं, जोर से बोलो, ये कल्प वृक्ष है।
कल सुन रहे थे ना पद्म पुराण क्या बोलता है, जो निर्धन है भागवत उसे धन प्रदान करता है, जो रोगी है उसको भागवत निरोगता प्रदान करती है, जो दुखी है भागवत उसे सुख प्रदान करता है, जिसके घर में संतानहीन है भागवत उसे संतान प्रदान करता है। जो मांगो, अगर सात दिन अगर हमने सही सही सुने, ऐसे नहीं आए बीच में चले गए, नहीं, कथा नियम से जो सुने, जो नियम से कथा सुने, कहते आप स्वयं देख लेना ये भागवत सात दिन तक नियम से सुन लो, मन में किसी चीज को इच्छा करके नियम से सुन लो, देखना जरूर आपकी इच्छा पूरी हो जाएगी। ये सुखदेव गोस्वामी स्वयं कहते हैं, ये निगम कल्प तर ये कल्प वृक्ष है, ये कल्प वृक्षों के नीचे हम बैठे हैं, इसलिए जो मांगो वही भागवत दे देगा। कथा कैसे सुननी चाहिए, नियम किया, बोले नियम बताए सात दिन तक बिना खाए पिए कथा सुनो। ये पद्म पुराण में बताया है, इसलिए परीक्षित महाराज जो कथा सुन रहे थे ना, आप देखना चार दिन के बाद में जब सुखदेव गोस्वामी बोले थोड़ा पानी तो पी लो, बोले जितना पानी के लिए तो जितना लड़ाई के बैठा लो, ये पानी के लिए, इसलिए पानी की बात मत करो, आप कथा मृत को पान कराते रहो, आपकी मुखार बिंद को दर्शन करते हुए जो रस वर्षित होता है उसी सही में जीवन को धन्य धन्य में बना रहा हूं, इसलिए कथा को आप बंद मत किया करो। इसलिए पहला नियम है सात दिन तक बिना खाए पिए कथा सुनो। अगर किसको बोलेगा भैया भूखे ना भजन वही गोपाला ले ले तेरी कंठी माला, अगर ऐसे नहीं सुन सकते हो बोले फिर सात दिन तक बोले घी पी पी कर कथा सुनो। अरे भैया एक किलो घी तो 200-250 रुपया की है, फिर पेट पतला हो जाएगा। बोले अगर इसमें असुविधा हो तो बहुत सारे नियम बताया, केवल फलाहार करते हुए कथा सुनो। क्या करते हुए? केवल फलाहार। बोले ये बात तो सही है, लेकिन अगर इसमें भी दिक्कत हो, सबसे जो बढ़िया मार्ग बताया, बोले एक बार बढ़िया करके भोजन करो और एक बार फलाहार करो, ये सबसे बेस्ट बताया। एक बार अच्छे तरह से भोजन करो और एक बार फलाहार, उसको सबसे बेस्ट बताया। ऐसे कथा सुनो, यहां तक भी बताया, अगर इसमें भी कोई कष्ट हो, इसमें भी अगर किसी को कष्ट हो, जितना बार भोजन करना भोजन करो, लेकिन एक नियम बताया, कथा नियम से सुनो, कथा को नियम से कथा सुनो। इसलिए कि ये पद्म पुराण में सारी बात बताया है, हैं? अगर नियम से सुनो, सात दिन तक इसकी बुराई मत करो, कभी किसकी चुगली मत करो, सात दिन तक ब्रह्मचर्य बनकर की कथा सुनो, साधारण बिस्तर के ऊपर में लेट करके कथा सुनो। कहते अगर ये नियम से कोई कथा सुनेगा तो आप सात दिन में जो कुछ संकल्प करेंगे मांगोगे, कहते भागवत ये सारी इच्छा को पूरी कर देते। हमने बहुत सारी जगह पर देखा बड़ी बड़ी इच्छाओं को जो कभी जिंदगी में पूरी नहीं हुई, भागवत कथा सुन की इच्छा पूरी हो गई भागवत कथा से। इसलिए यहाँ पर सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, हम कथा नहीं सुन रहे हैं, हम कल्प वृक्ष को नीचे बैठे हैं, लेकिन और एक भी बात कहते हैं, भागवत से छोटी मोटी चीज को मत मांगा करो, ऐसे एक चीज मांगो जो एक चीज मिलने पर जन्म जन्मांतर के लिए सारे दुख कष्ट तुम्हारी दूर हो जाए। ये बात भी बताते हैं, ऐसे एक चीज भागवत से मांगो कि छोटी मोटी चीज को मत मांगा करो, ये भी कहते हैं, क्योंकि जो मांगना है ना बड़ी चीज मांगो ना। देखो छोटी सी कहानी सुनो, बोले एक समय कोई एक अंधा श्री शंकर जी की पूजा की, शंकर जी खुश हो गए, बोले बेटा वर मांगो, लेकिन वो अंधा पहले ही विचार करके आया था अगर शंकर जी खुश हो जाए तो उनसे तीन चीज में मांगूंगा, बोले पहला चीज तो ये मांगूंगा अंधा मेरे को आंख मिले, दूसरी चीज मांगूंगा मुझे धन मिल जाए, तीसरे चीज मांगूंगा किसी अच्छी लड़की से मेरी शादी हो जाए, वो पहले ही सोच करके आया था। शंकर जी बोले मैं संतुष्ट हूं, मेरे को वर मांगो, बोले मेरे को तीन वर चाहिए, बोले नहीं। शंकर जी बोले तीन वर नहीं, जो कुछ मांगना एक वर से मांगना पड़ेगा, तीन वर नहीं दे सकता हूं। वो अंधा बड़ा चतुर था, बोले ठीक है कोई बात नहीं एक ही वर दे दो। बोले बोलो, बोले मैं अपना बेटे को राज महल के ऊपर में हाथी को ऊपर बैठते हुए सोने की कटोरी में दूध चावल खाते हुए देखो,
आप समझ गए हो? आप बताओ राज महल के ऊपर में हाथी के ऊपर कौन बैठता है? राजा महाराजा बैठते हैं। अब सोने की कटोरी में कौन खाएगा? राजा महाराजा खाते हैं, हैं? और क्या करो अपना, क्या करो अपना बेटे को देखो, बेटा कब होगा जब शादी हो जाए। शंकर जी मान गए, भले भ्रम बचत बड़ा चालक है, हैं? इसलिए यहाँ पर कहते हैं भगवान से ऐसे एक चीज मांग लो जो एक चीज से जीवन में सब कुछ मिल जाएगी। वो चीज क्या जानते हो? उनकी सेवा है, उनकी भक्ति है, उनकी प्रेम मांग लो, उनसे प्रेम मांग लो। क्योंकि भगवान कौन है? वो अनंत कोटि विश्व ब्रह्मांड का मालिक है। जब उनकी भक्ति प्रेम मांग लिया ना, हम उन्हीं की भगवान तुम्हारी वशीभूत हो गए। जब भगवान तुम्हारी वशीभूत हो गए, किस चीज की बाकी फिर रह जाएगी? हनुमान जी का नाम सुने, कौन कौन हनुमान का नाम जानते हो? तो भगवान जब सीता माता को उधार करके ले आए, भैया इसको थोड़ी सी ऊंचा कर दो, जब माता सीता को उधार करके लाए, राम तो बड़े खुश हो गए हनुमान के ऊपर में। बोले बेटा तू मेरे को आज जीत लिया, आज तू जो कुछ मांगोगे मैं सो कुछ देने के लिए तैयार हूं। देखो हनुमान जी क्या कहते हैं, बोले बार बार बर मांगो हरसी देव श्री रंग पद सरोज अनुपायनी भक्ति सदा सत्संग। बोले प्रभु अगर देना चाहते हो सत्संग दो, आपकी चरण की भक्ति दो और अहितु की प्रेम हमें प्रदान करो। भगवान राम आशीर्वाद दिया, उनको आशीर्वाद दे दिया। देखो हनुमान जी को देखो, दुनिया में घर घर में जिनकी पूजा हो रही है, जिनकी सारा दुनिया में पूजा हो रही। इसलिए कहते हैं हम कल्प वृक्ष को नीचे बैठे हैं। एक बार हाथ उठा कर बोलो सबके साथ, बोलो हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम राम राम। और एक बार जोर करके बोलो, बोलो हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम राम राम। बोले श्रीमद् भागवत कथा अमृतम की, बोले निगमा कल्प तरूर गलितम फलम। बोले ये श्रीमद् भागवत किया है, बोले ये वेद रूपी कल्प वृत्त का पका हुआ फल है। करते एक में तो पका हुआ फल, दूसरे में सुख मुखात अमृत। ये कथा कहाँ से निकली? बोले ये सुखदेव गोस्वामी के मुंह से ये कथा निकली। एक इसलिए एक कहावत है, अगर किसी फल में अगर तोता ने चोंच मार देना उसमें ज्यादा मिठास आ जाती है। और ये सुखदेव गोस्वामी कौन है? कल सुन रहे थे, ये राधा रानी के निकुंज महल में रहने वाले, राधा रानी जिनको स्वयं चुंबन करती थी, जिनकी होठ में चोंच में राधा जी की अधरामृत लगी हुई है। इसलिए जब सुखदेव गोस्वामी मुंह से ये कथा निकली उसमें ज्यादा मिठास आ गई। इसलिए कहते भैया ये रस को हर समय पीते रहो, ये रस को पीते रहो। फिर यहाँ प्रश्न करते हैं, कहते आपने बताया ये फल है, आप बताओ तो फल को खाते हैं ना फल को पीते हैं? और जोर से बोलो, खाते हैं। लेकिन यहाँ कह रहे हैं पीते हैं। बोले कैसे पिएंगे? बोले ये ऐसे के फल है जिसमें छिलका भी नहीं, जिसमें गुठली भी नहीं है, जिसमें छिलका भी नहीं, जिसमें गुठली भी नहीं, जिसमें केवल रसी रस है। जैसे कोई चीज को जब हम पीते हैं, आप लोगों को बताओ किधर से पीते हैं? अरे बोलो, जो कोई जूस को पीते हैं किधर से पीते हैं? मुंह से पीते हैं ना। लेकिन अभी जो रस को पी रहे हैं किधर से पी रहे हैं? ये चीज को समझो, कहते ये ऐसे के रस है जिसको मुंह से नहीं पी जाती है, किधर से पी जाती है? कानों से। देखो मुंह से कानों में पीने का फर्क देखो, देखना आप कोई भी चीज को मुंह से पियोगे अंदर में रख नहीं सकते हो, रख सकते हो वो निकलेगा ही, निकलेगा कि नहीं? लेकिन कोई चीज को अगर कानों से पियो निकलेगा? नहीं निकलेगा। इसलिए कहते भैया जो भागवत है वो दिव्य फल है, इसको मुंह से नहीं पी जाती है, किधर से पीनी चाहिए? इसको कानों से पी जाती है।
तब यहाँ पर बोले भाई आप तो पीते तो है रस को, लेकिन निकल जाती है, टिकते नहीं अंदर में, क्योंकि हमारे अंदर में छेद बहुत सारी है, काम क्रोध लोभ मोह है, हमारे अंदर में तो छेद ही छेद है, एक तरफ में पीते है दूसरे तरफ से ये निकल जाती है। तब एक सुंदर उदाहरण देकर समझा, आपसे मैं एक प्रश्न करूंगा, देखूंगा ये प्रश्न का कौन उत्तर दे सकता है। जैसे उदाहरण दिया जैसे कि घड़ा हो, लेकिन घड़ा में छेद ही छेद है, अगर उसमें कोई चीज डालोगे फिर तो निकल जाएगी, लेकिन ऐसे कौन सा उपाय है भले ही जिसमें जितने छेद क्यों नहीं हो, लेकिन अगर किसी चीज डालोगे ना कभी निकलने वाली नहीं, भले ही जितने छेद क्यों नहीं हो, आप बता सकते हो उपाय क्या है भैया? नहीं, हाँ पिताजी के लिए ताली बजाओ जोर से। आप समझ रहे हो, जैसे कोई घड़ा है छेद ही छेद है, अगर वो घड़े को पानी में अगर डुबो करके रखोगे वो जितने छेद क्यों नहीं हो पानी निकलेगा, क्यों वो ऑलरेडी पानी में डूबा हुआ है। देखो ये क्या कहना चाहती है, चीज को समझ लो, कहते अगर हर समय हम भगवत कथा में डूबे रहेंगे ना, भले ही हमारे हृदय में जितने काम क्रोध दुख कष्ट क्यों नहीं हो, वो पानी निकलने वाले नहीं। इसका उदाहरण देखो, जैसे यहाँ पर बैठे सभी के हृदय में काम है क्रोध है लोभ है मोह है सबके हृदय में, आप देखना जब तक आप यहाँ बैठे रहोगे ना तब तो कोई काम सता रहा है ना, लोभ सता रहा है ना, मोह सता रहा है, लेकिन ये गेट से बाहर निकलो, निकलने का साथ साथ जितने काम क्रोध लोभ पहाड़ रूप में सर पर आकर बढ़ जाएगा, लेकिन जब तक ये कथा में बैठे है ना तब तक ये काम क्रोध तुम्हारी कुछ भी बिगाड़ नहीं सकती। इसलिए सुखदेव गोस्वामी कहते भैया इसमें डूबे रहो, निकलना नहीं, निकलते ही माया पकड़ेगा यहाँ से, गेट से बाहर निकलो माया तैयारी बैठा हुआ तुमको पकड़ने के लिए, इसलिए कथा से उठना नहीं, कथा में बैठ रहो। हाँ कथा में बैठ रहो। तो बोले भैया ये कथा को कौन सुन सकते हैं? बोले कथा को केवल दो व्यक्ति सुन सकते हैं, कहते रसिक और भाबू, केवल दो व्यक्ति कथा सुन सकते हैं। इसलिए शंकर जी क्या कहते हैं, बोले अति हरि कृपा जा पर होई, अति हरि कृपा जा पर होई, अति हरि कहते पार्वती वही व्यक्ति कथा सुन सकते हैं जिसको ऊपर में ठाकुर जी की विशेष कृपा है, वही कथा को सुन सकते हैं। अगर ये कथा रूपी गंगा में कोई स्नान करे तो उसका फल क्या है? देखो शंकर जी क्या कहते हैं, बोले मंजन फल देखो तत्काला और काक होई पी का बको मराला। अगर कथा रूपी गंगा में कोई स्नान करेगा ना, आप लोगों ने कौवा देखे हो? कौन कौन कौवा देख रहे हो? सब देखे हो देना, कौवा भी काले हैं, लेकिन कोयल भी काले, दोनों काले हैं, लेकिन इनकी आवाज में देखो, अगर कौवा अगर बैठ करके ज्यादा समय का का करेगा ना, बोले कब से ये का का कर रहा है, कान दर्द हो गया, लेकिन बसंत ऋतु में जब ये कोयल जब कूदती है कितने मीठी है, कितने मीठी है कोयल की आवाज। कहते उसी तरह शंकर जी कहते पार्वती अगर ये कथा रूपी गंगा में अगर कौवा अगर स्नान करेगा वो कौवा नहीं रह जाएगा, वो कोयल बन जाएगी। कोयल बन जाएगी मतलब क्या है? ये कौवा का का करना मतलब क्या? ये दुनिया की जो बात है ना, ये कौवा की बात है। आप बैठ करके दुनिया की बात करो,
दुनिया की बात कर तुम कैसे हो, ऊपर से तो बोलेंगे ठीक ठाक है, लेकिन अंदर की बात कर बैठ करके, कोई तन से दुखी, कोई मन से दुखी, कोई धन से दुखी, कोई परिवार से दुखी 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 दुखी, उठ कर जाओगे तो दुखी दुखी होकर जाओगे। लेकिन जैसे कथा सुन रहे हो, जब कथा से यहाँ से निकलोगे दुखी होकर ना सुखी होकर जाओगे, और बोलो दुखी होकर ना सुखी होकर जाओगे, सुखी होकर के जाओगे। इसलिए शंकर जी कहते पार्वती, अगर ये बगुला अगर बगुला गोता लगाए ना, वो बगुला नहीं रह जाएगा, वो हंस बन जाएगा। बगुला क्या करता है, वो कीड़े मकोड़े खाते रहता है, लेकिन हंस क्या करता है, वो मानस सरोवर में कमल मधु का आस्वादन करता है। इसलिए यहाँ पर सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, जिनकी करोड़ों करोड़ जन्म का पुण्य उदय हुआ हो, वही व्यक्ति ही ये भागवत कथा को श्रवण कर सकते हैं। बोले श्री वृंदावन बिहारी जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री खड़े हो जाओ, सबसे खड़े नाच लो, बैठ जाना, बड़े समय से बैठ जाओ।